थ्रस्ट इसके अंदर बनती हैं। तो इनसाइड द सोलेनोइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो यही इसका प्रिंसिपल होता है। देन इसकी इसका प्रिंसिपल, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग को अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास में इस चैप्टर के दो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, एक आता है इलेक्ट्रिक जनरेटर, और दूसरा आता है हमारे पास में इलेक्ट्रिक मोटर। इन दोनों टॉपिक से एक बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आता है, इन दोनों टॉपिक से, और ये बात भी पक्की है कि 5 मार्क्स में आता है, पूरा 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। अगर इन दोनों टॉपिक से ही क्वेश्चन नहीं आया तो फिर पॉसिबिलिटी चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर हमारे पास में लास्ट में जो सबसे लास्ट में जो टॉपिक है, जो डोमेस्टिक सर्किट है, यानी कि डोमेस्टिक सर्किट से फिर क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन इन दोनों में से एक आता है, जो भी आएगा वो 5 मार्क्स में। अगर इन दोनों से क्वेश्चन नहीं आया तो फिर डोमेस्टिक सर्किट से ज़रूर क्वेश्चन आएगा, और डोमेस्टिक सर्किट से जो क्वेश्चन बनेगा वो भी पूरा 5 मार्क्स में ही बनेगा। तो इन दोनों की, इन दोनों के अंदर हम इनका प्रिंसिपल, इनकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, तीनों हेडिंग के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, डायग्राम बना बना के देखेंगे इनका, इनके डायग्राम में थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो इन तीनों टॉपिक को इस चैप्टर से हम सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे। देन फोर्थ अगर पढ़ने वाला इस चैप्टर से टॉपिक है तो फिर ये सोलेनोइड, एंड फिफ्थ अगर हम पढ़ेंगे तो फिर ये पढ़ेंगे। तो आप इन दोनों को ज़्यादा वेटेज दोगे। देन डोमेस्टिक सर्किट भी इस बार आपका सैम्पल पेपर CBSE में बना के दिया गया है, लेकिन वैसे भी डोमेस्टिक सर्किट अच्छा टॉपिक है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। देन सोलेनोइड से उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उसके बाद में जितने भी चैप्टर के इसके टॉपिक हैं उन्हें पढ़ेंगे, लेकिन ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इस चैप्टर से सिलेक्टेड टॉपिक हैं। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो, और इस पूरे चैप्टर से हमारे पास में 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन उसके बाद में हमारे पास में जो नया चैप्टर आता है उसके बाद सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी से जो हमारे पास में क्वेश्चन बन के आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बन के आएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर आएगा, एनर्जी क्राइसिस के ऊपर आएगा क्वेश्चन, एंड देन एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो इससे हमारे पास में बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं जिसको हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत सारी बार आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ पूछे जाते हैं और लास्ट 5 ईयर में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो एक तो विंड मिल के बारे में, विंड एनर्जी के बारे में, विंड मिल के बारे में, एंड देन सेकंड जो हमारे पास में इससे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इसके बाद जो फर्स्ट सेकंड टॉपिक इससे यहाँ से निकल के आते हैं हमारे पास में विंड मिल के बाद में, सेकंड जो हमारे पास में इसका टॉपिक पूछे जा रहा है वो हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट, इनके बारे में हम विंड मिल के बारे में, इनकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग दोनों को अच्छे से याद करेंगे, कंस्ट्रक्शन भी और वर्किंग भी। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस चैप्टर से हमारे पास में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत छोटे छोटे, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन, 3 से 4 मार्क्स में ये चैप्टर हमारे एग्जाम में आता है। और इस बार हमारे MCQ आएंगे, तो MCQ के लिए इस चैप्टर से आपका कम से कम तो 2 MCQ बनता है जो इस चैप्टर से आपके आएंगे। तो आपको इस चीज़ को अच्छे से देखेंगे कि MCQ इसके अंदर से बनेंगे। तो बेसिकली हमारे पास में जो फिजिक्स का पार्ट आता है पूरे पेपर के अंदर, 80 मार्क्स के पेपर में हमारे फिजिक्स का पार्ट जो आता है बेसिकली वो 30 मार्क्स के अराउंड आता है, 30 to 35। मैं इतना क्यों कह रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि हमारे पास में अगर कोई भी क्वेश्चन दिया गया है तो बेसिकली होता क्या है कि एक क्वेश्चन हमें दे रखा है कि लाइट से, देन वो उस क्वेश्चन का एक और दे के दे देता है लाइट से ही। तो इन दोनों के अगर हम मार्क्स ऐड करें तो 30 to 35 के अराउंड इसके मार्क्स हमारे बैठते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन सपोज हमारे पास में 2 मार्क्स में दे रखा है लाइट से, और उसके बाद में जो दूसरा और हमारा क्वेश्चन है ये भी 2 मार्क्स है, क्वेश्चन का वेटेज तो 2 मार्क्स ही है, बट दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में इस चैप्टर से क्वेश्चन जो है पूरी पूरी फिजिक्स 30 to 35 मार्क्स में आती है 80 मार्क्स के पेपर में। तो आप इसके एक एक टॉपिक को अच्छे से तैयार करेंगे,
और उसे अच्छे से तैयार करने के बाद आप इसको सारे को पढ़ेंगे। अगर आपको पूरी फिजिक्स में, टेंथ क्लास की पूरी फिजिक्स में किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट करेंगे एंड देन उसके बाद में उस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन आपके सामने कर ही दूंगा किस तरह से उसे लिखना होता है एग्जाम में, कैसे हमारे उसमें अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो आप लोग इसकी अच्छे से तैयारी करिए पूरी फिजिक्स की टेंथ क्लास के लिए। देन साइंस का पेपर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों ही होते हैं। आपको बायोलॉजी भी अच्छा पढ़ना पड़ेगा, आपको केमिस्ट्री भी अच्छा पढ़ना है, आपको फिजिक्स भी अच्छा पढ़ना है। बट मैं आपको फिजिक्स के सारे डाउट बता सकता हूँ, जो भी आपके फिजिक्स के डाउट होंगे वो सारे मैं आपके क्लियर कर सकता हूँ। जो भी आप टॉपिक का डाउट है, किसी भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, कोई न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा, देन आप मुझसे मिल लीजिए और मैं इसका क्लियर कर दूंगा आपका डाउट भी, या आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसी टॉपिक का वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस तरह से हम अपना फिजिक्स वाला पार्ट कवर करेंगे। उसके बाद में हमारे पास में जो आता है वो साइंस के पेपर में केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का भी इसी तरह से रहते हैं। देन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए भी हम बिल्कुल इसी तरह से टॉपिक को डिस्कस करेंगे साइंस के लिए, कि बायोलॉजी वाला जो पार्ट होगा उसको भी पढ़ेंगे। बायो वाला पार्ट भी इतना ही आता है, देन केमिस्ट्री वाला पार्ट भी इतना ही आता है, देन फिजिक्स वाला पार्ट भी इतना ही आता है, तीनों इक्वल मार्क्स में। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप फिजिक्स ही फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री एंड बायो नहीं पढ़ेंगे, सारा पढ़ेंगे हम लोग। तो उसके लिए हमारे पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स का पार्ट मैंने आपके साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में डिस्कस किया है। देन जो भी टॉपिक आपको टफ लगता हो उसको आप कमेंट करिए, बताइए और उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने। एंड देन फिजिक्स और केमिस्ट्री एंड बायो के लिए आप केमिस्ट्री एंड बायो वाले टीचर्स आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप उनसे मिलिए, वो आपके सारे टॉपिक का सॉल्यूशन देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।